एक आदमी जो बिल्कुल भोला भाला है उसकी लाइफ की वाट कैसे लग जाती है, ये मूवी आप लोगों को अच्छे से बताएगी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ क्रेजी स्टूपिड लव मूवी के बारे में, जो 2011 में आई थी और ये मूवी आप लोगों को हिंदी में मिल जाएगी। खैर मैं तो यही सलाह दूंगा यार इसको इंग्लिश में देखना, क्योंकि यार इसकी हिंदी डबिंग बहुत ज्यादा बकवास है। तब इसकी कहानी की बात कर लेते हैं। कैल नाम का एक शादीशुदा आदमी, स्टार्टिंग में इसमें दिखाया गया कि वो अपनी पत्नी के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे और उनको काफी टाइम से वो एक मेन्यू में घूरे जा रहे हैं कि उनको खाने के लिए क्या चाहिए। तभी उसकी वाइफ कहती है कि कैल मुझे तुमसे तलाक चाहिए। ये सुनकर कैल का होश उड़ जाता है कि यार उसने पूरी उम्र एक लड़की से ही प्यार किया, उससे शादी की, किसी और दूसरी औरत के ऊपर उसने नजर नहीं रखी बल्कि अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखा और इतना अच्छा बन के रहा, अपनी अपना हर फर्ज उसने निभाया, फिर उससे ऐसा क्या हो गया कि उसकी वाइफ उसे तलाक चाहती है। और पागल आदमी चलती गाड़ी से कूद जाता है। अब यार थोड़ा होश रखो अपने ऊपर। अब कैल की जो वाइफ है एमिली, वो डेविड को प्यार करती है और कैल के बच्चों का ध्यान रखने वाली एक बेबी सीटर जेसिका, वो कैल को प्यार करती है, लेकिन कैल का जो बेटा है वो इस जेसिका को प्यार करता है। कमाल का झोल चल रहा है, मतलब कि जिस आदमी को जो औरत चाहिए वो औरत किसी और को चाहती है और जो लड़की इस आदमी को चाहती है उस आदमी का बेटा इस लड़की को चाहता है। कसम से यार बहुत ज्यादा जोर लग रहा है इस मूवी में। खैर देखो यार ये मैंने कंप्लीट तौर पे आप लोगों को नहीं बताया क्योंकि इसके अंदर और भी ट्विस्ट आने वाले हैं। कैल अकेला रहना शुरू कर देता है और जूस पी के उसे नशा हो जाता है। यार ये कैसा जूस था यार। तब उसकी लाइफ में आता है जैकब। जैकब उसको बताता है कि उसकी वाइफ जो उसे छोड़कर क्यों गई और उसे वो सिखाता है कि उसकी वाइफ उसको वापस कैसे मिल सकती है। खैर उसको जैकब जो है वो एक बहुत बड़ा स्टड है और साथ ही साथ इसको ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है, जिससे कैल जो है वो भी बहुत बड़ा स्टड बन जाता है, जिसने आज तक अपनी वाइफ के अलावा किसी और औरत के ऊपर गंदी नजर भी नहीं रखी, वो नौ नौ लड़कियों के साथ मतलब करने लग जाते हैं। इधर कैल का 13 साल का बेटा अपनी बेबी सीटर को जाके प्रपोज कर देता है, ऑब्वियसली उसको निकाह नहीं मिलने वाला है। कमाल की बात है, 13-13 साल के लोंडे, सॉरी 13-13 साल के बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं यार। यहाँ हम जब 13 साल के थे हमें ये नहीं पता था चड्डी पैंट के ऊपर पहनते हैं या चड्डी पैंट के नीचे पहनी जाती है। और ये बच्चे जाके अपनी माँ को लव स्टोरी के बारे में बताते हैं कि वो किससे प्यार करते हैं और अपने पिता को कहते हैं कि जैसिका उसकी सोलमेट है, जिससे यार उसका पिता इंस्पायर हो जाता है कि उसकी सोलमेट सुन के यार मेरे बच्चे में इतनी ताकत है तो मैं अपनी सोलमेट को वापस क्यों नहीं लाऊंगा। यार क्या चल रहा है यहाँ पे। अब मैं ये सोच रहा हूँ यार आप लोगों को ट्विस्ट बताऊं या ना बताऊं। देखो यार ट्विस्ट बता दिया तुम यार कमेंट बॉक्स में यार मुझे जीने नहीं दोगे, तो अरे नहीं बताया तो यार मुझसे रहा नहीं जा रहा यार, क्या यार बड़ी अजीब सी दुविधा है। तो पूरी कहानी को अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो कैल उसकी वाइफ जो एमिली है उसे डाइवोर्स लेना चाहती है, जैकब उसकी मदद करता है उसकी मर्दानगी वापस लाने में और साथ ही साथ एक नया ट्विस्ट भी आता है उसकी लाइफ में। अब देखो यार मैंने कोई भी स्पॉयलर्स नहीं दिया, अब देखना ये है कि कैल क्या अपनी वाइफ एमिली को वापस ला पाता है, जैकब उसकी लाइफ में कौन सा ट्विस्ट लेके आ पाता है और क्या कैल का बेटा अपने प्यार वापस पा पाता है या नहीं पाता, जानने के लिए आप लोगों को ये स्टूपिड क्रेजी या क्रेजी स्टूपिड लव ये मूवी देखनी पड़ेगी। क्या मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 6.5 out of 10 स्टार। अगर किसी ने नहीं देखी है तो यार देखो यार अच्छी स्टोरी है, आप देख सकते हैं, वन टाइम वॉच तो है, और जिन्होंने देख लिया तो यार देखो कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आप लोगों की मूवी कैसी लगी। और मैं तो यही कहूंगा यार बहुत ज्यादा फ्रैंक इलाका है यार कसम से, यहाँ हमारे माँ बाप से हम नहीं कह सकते कि कौन जो भी है तुम समझ जाना है, बहुत कमाल का इलाका है यार वो। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।